हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ दीपशिखा और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल रुद्राक्ष एजुकेशन में। चलिए आज हम शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 3 साइंस। टॉपिक है हमारा एयर। तो एयर के बारे में आज का हमारा डिस्कशन रहेगा। एयर क्या है, क्यों है, कितना इसका रिक्वायरमेंट है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। और आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखें। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। एयर इज़ प्रेजेंट ऑल अराउंड अस। एयर हमारे चारों ओर क्या है, प्रेजेंट है। वी कैन नॉट सी इट बट कैन फील इट। हम क्या है, एयर को देख नहीं सकते लेकिन हम हवा को क्या है, फील कर सकते हैं। इट इज़ नेसेसरी फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म, और लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए भी नेसेसरी है। वी कैन नॉट रिमेन अलाइव विदाउट ब्रीदिंग इवन फॉर अ फ्यू मिनट्स। हम सांस लिए बिना एक सेकेंड भी, मतलब एक सेकेंड तो रह लेंगे, कुछ मिनट्स हम क्या है जीवित नहीं रह सकते। ओके, राइट इन योर नोटबुक अबाउट एक्टिविटीज़ विच शोज इन्फ्लुएंस ऑफ एयर। तो दिस इज़ वर्क फॉर यू। हमको एक ऐसी एक्टिविटीज़ लिखना है जिसमें एयर का इन्फ्लुएंस होता है, इसका मतलब एयर का प्रभाव होता है। कंट्रोल ऑफ द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ, यहाँ पे कुछ एक्टिविटीज़ ऐसे ही हैं जैसा है। कंट्रोल ऑफ द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ, अर्थ का टेम्परेचर जो है उसमें कंट्रोल करना। फॉलिंग ऑफ रेन, वर्षा होना या वर्षा का पानी का गिरना। डिस्पर्सल ऑफ सीड्स आर सम एक्टिविटीज़, ठीक है, बीजों का अंकुरण, ये जो है आपका कुछ ऐसे एक्टिविटीज़ हैं। डिस्पर्स हो जाते हैं बीज हवा से उड़ के इधर उधर और अंकुरित हो जाते हैं। विच के नॉट हैपन विदाउट एयर, जो कि एयर के बिना नहीं हो सकता या एयर के अभाव में नहीं हो सकता, हम ऐसा कह सकते हैं। डू ट्राई टू मेक अ लिस्ट ऑफ सच एक्टिविटीज़ इन योर कॉपी। तो यहाँ वो एक्टिविटीज़ बनाने के लिए बोल रहे हैं, चाहे तो आप लोग बना सकते हैं। नाउ आर्टिकल नंबर 3.1, इट इज़ एटमॉस्फियर। एटमॉस्फेयर क्या है, चलिए देखते हैं कि एटमॉस्फेयर में एयर कितना है, क्या है। वी हैव लर्नड दैट एयर इज़ अ मिक्सचर। हमने क्या है सीखा है कि एयर क्या है, मिक्सचर है, मिक्सचर नहीं है, मिक्सचर है। लेट अस सी व्हाट द मेन कंपोनेंट्स ऑफ एयर आर। चलिए आइए देखते हैं कि एयर के मेन कंपोनेंट्स कौन कौन से। एयर है 78% ऑफ नाइट्रोजन। ओके, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एयर हैज़ अबाउट 78% ऑफ नाइट्रोजन, 78%, 21% ऑफ ऑक्सीजन, 0.9% ऑफ ऑर्गन, 0.04% ऑफ वाटर वेपर एंड 0.03% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड द रेस्ट इज सल्फर डाइऑक्साइड। तो इतना सारा है जो बच गया वो सल्फर डाइऑक्साइड है एंड अदर गैसेस एंड डस्ट पार्टिकल, और आपके अदर गैसेस भी हैं, डस्ट पार्टिकल भी प्रेजेंट हैं। याद रखेंगे हम लोग 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन, 0.9% ऑर्गन, 0.04% वाटर वेपर, 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड एंड द रेस्ट इज ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड, इट इज़ SO2 एंड अदर गैसेस एंड डस्ट पार्टिकल्स। जो रिमेनिंग है आपका वो अदर गैसेस भी है उसमें और डस्ट पार्टिकल्स भी है। ओजोन लेयर इज़ फाउंड अबव द अर्थ सर्फेस एट अबाउट 16 to 23 किलोमीटर। जो ओजोन लेयर है अर्थ सर्फेस से 16 to 23 किलोमीटर के डिस्टेंस में है, ठीक है। ओजोन लेयर 3 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन कंबाइंस टू फॉर्म 1 ओजोन मॉलिक्यूल। ओके, ऑक्सीजन के 3 एटम मिल करके ओजोन का एक मॉलिक्यूल बनाते हैं। याद रखेंगे कि ऑक्सीजन के थ्री एटम्स मिलके ओजोन का एक मॉलिक्यूल बनाते हैं। दिस लेयर ब्लॉक्स द हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज। और ये जो लेयर होता है, ये सन से आने वाला जो अल्ट्रावायलेट रेज होता है जो कि बहुत हार्मफुल होता है हमारे स्किन के लिए, उसको ब्लॉक करता है। दस द ओजोन लेयर हेल्प्स इन प्रोटेक्टिंग अस फ्रॉम स्किन कैंसर, और वो स्किन कैंसर का नाम है आपका ल्यूकेमिया। और ओजोन लेयर हमको ल्यूकेमिया नामक जो है भयानक बीमारी है, स्किन कैंसर, उससे हमको प्रोटेक्ट करता है। ओके, नाउ आर्टिकल नंबर 3.2, इट इज ऑक्सीजन। वी आर ऑल एक्वेंटेड विद द इम्पॉर्टेंस ऑफ ऑक्सीजन इन आवर लाइफ। अब ऑक्सीजन के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, जो कंपोनेंट्स हैं नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर डाइऑक्साइड, जितना भी अभी हम लोग देखें कि एयर में क्या क्या कंपोनेंट्स हैं उसके बारे में अब हम डील करेंगे, डिस्कशन करेंगे। वी आर ऑल एक्वेंटेड विद द इम्पॉर्टेंस ऑफ ऑक्सीजन इन आवर लाइफ। बहुत इंपॉर्टेंट है ऑक्सीजन हमारे जीवन में। इट इज़ अ लाइफ गिविंग गैस, ये आपका जीवन दायिनी गैस इसको हम कह सकते हैं। कम वी विल लुक एट इट्स प्रिपरेशन प्रॉपर्टीज एंड यूजेज। चलिए आइए हम देखते हैं कि इसका प्रिपरेशन कैसे होता है, क्या क्या इसके गुण हैं और इसके उपयोग क्या क्या हैं। तो यहाँ पे मेथड ऑफ प्रिपरेशन बताया गया है। इसके लिए हमको लेना है स्टैंड हीटिंग एपरेटस, थिक ग्लास टेस्ट ट्यूब, रबर ट्यूब, ट्रफ 2 टेस्ट ट्यूब्स, कॉर्क, कॉटन एंड पोटेशियम परमैंगनेट। तो अब हमको करना क्या है, हमको पोटेशियम परमैंगनेट को एक टेस्ट ट्यूब में लेकर के, जैसा सी में दिखा रहा है,
फिगर नंबर सी, वैसे में हमको उसको हीट करना है। पोटेशियम परमैंगनेट इसको जब हम बर्न करेंगे तो हमको मिलेगा आपका K2MnO4, इट इज़ पोटेशियम मैग्नेट एंड मैंगनीज डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन गैस इसमें से रिलीज होगी, और उसी ऑक्सीजन गैस को दूसरे टेस्ट ट्यूब में हम क्या कर लेंगे, कलेक्ट कर लेंगे। तो इस टाइप से ये हो जाएगा प्रिपरेशन ऑफ ऑक्सीजन। और प्रिकॉशंस हैं, वाइल प्रिपेयरिंग ऑक्सीजन फ्रॉम पोटेशियम परमैंगनेट अप्लाई ऑफ कॉटन मस्ट बी पुट इन द हार्ट ग्लास टेस्ट ट्यूब एंड द टेस्ट ट्यूब शुड बी कंटिन्यूअसली शेकन, अदरवाइज पोटेशियम परमैंगनेट मे स्प्रिंग अप इन टू द टेस्ट ट्यूब एंड विच इज ऑक्सीजन इज बींग कलेक्टेड। तो अच्छे से हमको उस कॉर्क को लगाना है जब हम इस एक्टिविटी को परफॉर्म कर रहे हैं। अब फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ऑक्सीजन जो है, फिजिकल स्टेट कैसा होता है इसका, गैसियस फॉर्म में होता है, कलर कलरलेस है, ऑर्डर ऑर्डरलेस है, वेट एज कम्पेयर टू वाटर लेस ही होगा इसका वेट जो है कंपेटिवली वाटर, क्योंकि ऑक्सीजन है और वाटर जो है H2O होता है तो उसमें हाइड्रोजन का भी आपका वेट आ जाएगा। सॉल्युबिलिटी इन वाटर लेस सॉल्युबल है। ओके, नाउ केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ऑक्सीजन अभी हम यहाँ पे देखेंगे। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ऑक्सीजन के लिए भी यहाँ पे एक्टिविटीज़ है, और एक्टिविटी को देखिए इस एक्टिविटी में क्या हो रहा है। इसमें टेस्ट ट्यूब लेना है जो कि फिल्ड है ऑक्सीजन से, इंसेंस स्टिक्स एंड मैच बॉक्स। इंसेंस स्टिक्स इट मींस होता है आपका अगरबत्ती और माचिस हमको लेना है। हमको करना क्या है, जिस टेस्ट ट्यूब में ऑक्सीजन पहले से फिल्ड है वहाँ पे जली हुई अगरबत्ती को जला करके हमको लेके जाना है टेस्ट ट्यूब के माउथ के पास, और हम देखेंगे कि जो जो इंसेंस स्टिक है या फिर जो अगरबत्ती है वो और तेज़ी से क्या होने लगी, जलने लगी। तो इस एक्टिविटी के बाद हमारे पास दो क्वेश्चन पे उठता है कि डस ऑक्सीजन बर्न इटसेल्फ, कि ऑक्सीजन अपने आप बर्न हो जाता है। दूसरा क्वेश्चन है कि डज इट हेल्प द इंसेंस स्टिक टू बर्न, कि क्या इसने हेल्प किया अगरबत्ती को जलाने में। तो देखिए आगे हम इसमें हुआ क्या था, अगरबत्ती को लेके गया तो और तेज़ी से वो जलने लगा अच्छे ज़्यादा फ्लेम के साथ। ओके, ऐसा होता है इसमें जब हम इसको करेंगे। तो इस एक्टिविटी को यू सी दैट व्हेन यू ब्रिंग द लाइटेड इंसेंस स्टिक नियर द टेस्ट ट्यूब फिल्ड विथ ऑक्सीजन, इट स्टार्ट्स बर्निंग विगोरसली, देयरफॉर वी कैन से दैट ऑक्सीजन डज नॉट बर्न इटसेल्फ बट हेल्प्स इन बर्निंग। तो हम इसका क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं, हम ये कह सकते हैं कि ऑक्सीजन खुद क्या है, बर्न नहीं होता, बल्कि बर्न करने में या जलाने में क्या होता है, सहायता करता है या सहायक है। ओके, तो हमारा कंक्लूजन है कि ऑक्सीजन हेल्प्स इन बर्निंग। ऑक्सीजन कंबाइंस विद मेटल्स एंड नॉन मेटल्स टू फॉर्म्स ऑक्साइड। ओके, ऑक्सीजन आपके मेटल या नॉन मेटल से कंबाइन होकर जुड़ करके क्या बना लेता है, उसी मेटल का ऑक्साइड या नॉन मेटल का ऑक्साइड। यू नो दैट व्हेन मैग्नीशियम वायर इज लाइटेड इन एयर इट बर्न्स विद अ ब्राइट लाइट एंड गिव्स अ रेसिड्यू ऑफ वाइट पाउडर। तो ये मैग्नीशियम वायर को हम देखे भी हैं, शायद मैंने देखा है, अगर आप लोगों ने नहीं देखा हो तो थोड़ा सा केयर कीजिएगा कि जब हम मैग्नीशियम वायर को क्या है बर्न करते हैं। ओके, बर्न करते हैं तो वाइट कलर के चिंगारी इसमें से निकलती है, जैसे कि आपका वो जो फुलझड़ी जलाते हैं तो ऐसे चिकमिक चिकमिक ऐसा निकलता नहीं है, उस टाइप का कुछ होता है। ठीक है, और रेसिड्यू वाइट पाउडर जब जल जाता है मैग्नीशियम वायर तो कौन सा रेसिड्यू बचता है, वाइट कलर का रेसिड्यू, या आपका उसको बोल सकते हैं हम अवक्षेप बचता है हिंदी में। ओके, दिस वाइट पाउडर इज द ऑक्साइड ऑफ मैग्नीशियम। तो ये क्या होता है, ये वाइट पाउडर होता क्या है, ये वाइट पाउडर ही आपका क्या होता है, ऑक्साइड ऑफ मैग्नीशियम, और वी कैन कॉल इट मैग्नीशियम ऑक्साइड। ओके, तो हियर इज अ रिएक्शन, यू कैन सी इन द स्क्रीन, 2Mg+O2 इज इक्वल्स टू 2MgO, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन इज इक्वल्स टू मैग्नीशियम ऑक्साइड। Now come to the activity number 3. In this activity what we have to do, material required is like piece of coal, a small spoon, a heating apparatus, टेस्ट ट्यूब फिल्ड विथ ऑक्सीजन एंड लाइम वाटर। इतना सारा सामान हमको लेना है, एक कोयले का टुकड़ा, छोटा चम्मच, हीटिंग एपरेटस मतलब गर्म करने का आपका यंत्र, एंड टेस्ट ट्यूब फिल्ड विथ ऑक्सीजन, एक टेस्ट ट्यूब जो आपका ऑक्सीजन से भरा हुआ है, और लाइम वाटर हमको लेना है। उसके बाद हमको क्या करना है, हीट अ पीस ऑफ कोल इन स्मॉल स्पून अंटिल रेड हॉट, और उसको तब तक गर्म करना है कोयले के टुकड़े को जब तक वो एकदम रेड हॉट होते तक उसको गर्म करना है, एकदम रेड ना हो जाए। टेक दिस नियर टेस्ट ट्यूब फिल्ड विथ ऑक्सीजन, वॉट कलर फ्लेम डू यू ऑब्जर्व। अब उसी इसको करने के बाद हमको क्या करना है, वो जो कोयले का टुकड़ा है उसको आपका ऑक्सीजन फिल्ड टेस्ट ट्यूब के पास लेके जाना है, ऑब्जर्व करना है कि कौन सा फ्लेम अब हमको दिखता है।
ओके तो इसमें फ्लेम जो होगा, फ्लेम का जो कलर होगा वो ब्लू होगा, जैसे हमारे एलपीजी के फ्लेम का कलर होता है, लाइक दैट. ओके तो पोर सम लाइम वाटर इनटू द टेस्ट ट्यूब, डज द लाइम वाटर टर्न मिल्की. आफ्टर दैट दिस एक्टिविटी इज सेइंग कि हमको क्या है, लाइम वाटर मिलाना है टेस्ट ट्यूब में. ओके कार्बन प्लस ऑक्सीजन, क्योंकि कोल जो है वो कार्बन है, देन कार्बन जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म करेगा. उसके बाद CO2 में हमको लाइम वाटर ऐड कर देना है. लाइम वाटर जब डू द सेम एक्टिविटी विद मेल्टेड सल्फर, वैन सल्फर फिर बाद में करेंगे सल्फर से, S+SO2SO2 बनेगा. अब जब हम आपका कार्बन डाइऑक्साइड में जब हम लाइम वाटर को ऐड करेंगे तो ये मिल्क कलर का हो जाएगा, दूधिया हो जाएगा. ओके दूधिया हो जाएगा ये. आर्टिकल नंबर 3.2.4 यूजेस ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ पे यूजेस ऑफ ऑक्सीजन है, नंबर वन है रेस्पिरेशन और नंबर टू है वेल्डिंग. ऑक्सीजन तो एकदम कॉमन सी बात है यार कि रेस्पिरेशन मतलब सांस लेने में हम जो है ऑक्सीजन का यूज़ करते हैं. द मेन यूज़ ऑफ ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन ऑफ प्लांट्स, प्लांट्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हम ऑक्सीजन अगर इन्हेल कर रहे हैं तो CO2 एक्सहेल कर रहे हैं, और उस CO2 को जो प्लांट्स हैं उन लोग इन्हेल कर रहे हैं. तो ये इन्हेल एक्सहेल का जो प्रोसेस है ये क्या कहलाता है, रेस्पिरेशन कहलाता है. और ये जो प्रोसेस है चलता रहता है, साइक्लिक है. ओके माउंटेनियर्स एस्ट्रोनॉट्स स्कूबा डाइवर्स कैरी दीज विद देम इन सूटेबल सिलेंडर. तो जो भी पर्वतारोही होते हैं, एस्ट्रोनॉट्स होते हैं, जो आपके समुद्र में बहुत गहराई तक जाते हैं उनको स्कूबा डाइवर्स बोलते हैं. ये अपने साथ ऑक्सीजन का सिलेंडर लेके जाते हैं. क्यों लेके जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर ऑक्सीजन की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है. और इन हॉस्पिटल अस्थमा एंड हार्ट पेशेंट्स एंड न्यू बॉर्न बेबीज हैविंग ब्रीदिंग डिफिकल्टी आर गिवन ऑक्सीजन मास्क. और जैसे हमने कई बार देखा भी, ऑक्सीजन का मास्क लगा देते हैं पेशेंट्स को. कब लगाते हैं, किसने लगाते हैं, क्योंकि उनको क्या फील होता है, ऑक्सीजन का जो है कमी होता है. तो नाउ वेल्डिंग, मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन सम अदर गैसेस आर बर्न टू गेट अ फ्लेम यूज टू जॉइन मेटल्स ऑब्जेक्ट. वेल्डिंग का जो प्रोसेस है वहाँ पे क्या यूज़ होता है, मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन एंड सम अदर गैसेस, कुछ अदर गैस से हम ऑक्सीजन को मिक्स कर देते हैं. और बर्न टू गेट अ फ्लेम यूज टू जॉइन मेटल, मेटल को लोहे को, देख भी हो गया आप लोग, या एल्यूमिनियम भी आपका वेल्ड हो जाता है, लोहे का भी जो है आयरन का जो पीस है वो भी वेल्ड हो जाता है. और वेल्डिंग का प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, लॉर्ड्स ऑफ एप्लीकेशंस ऑफ वेल्डिंग वी कैन सी इन आवर डेली लाइफ. ओके सो अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें. थैंक यू फॉर वॉचिंग.